इस मध्य यूएसए यूके जिन्होंने पूरी दुनिया को लूटा, उन्होंने एक जहाज में 30 यात्री फंसे हुए थे और वो शरण मांगते घूम रहे थे, वो समुद्री जहाज था। और जब उनके हरेक के द्वारे गए, वो सब ने मना कर दिया, हम नहीं पड़ेंगे, मारे भाई मारे बीमारी लग जाए। वही पे क्यूबा, छोटा सा देश, हमेशा अमेरिका की बदमाशियों के निशाने पे रहा। वो क्यूबा छोटा सा देश, उन्होंने कहा भी मारे आओ, तुम भी इंसान हो, हम भी इंसान है। अभियान चलाया गया है और इस जन जागरण अभियान के दौरान हमारी जो जिम्मेवारी थी वो शहर के अंदर थी, शहर की कॉलोनियों में उनकी क्या स्थिति है उसके ऊपर हमारी जिम्मेवारी थी। देखिए, ये जो रोहतक जिला है, वैसे तो कहते हैं देशम देश हरियाणा जी दूध दही का खाना, और उसमें भी रोहतक जिला जो है वो सबसे विकसित जिलों के अंदर आता है। लेकिन इसी जिला के अंदर जिला हेडक्वार्टर पे जो नागरिक रह रहे हैं, हमने ये देखा कि 20-25 कॉलोनियों के अंदर जब कोरोना की महामारी चल रही है उस समय पे भी पीने का पानी जो है सीवर का और पीने का पानी मिले जुले आ रहे हैं, पीला पानी आ रहा है पीला टूटियों के अंदर। के दौरान ऐसे ऐसे 30 मार्खा देश यूएसए यूके जिन्होंने पूरी दुनिया को लूटा है, उन्होंने एक जहाज में 30 यात्री फंसे हुए थे और वो शरण मांगते घूम रहे थे, वो समुद्री जहाज था। और जब उनके हरेक के द्वारे गए, वो सब ने मना कर दिया, हम नहीं पड़ेंगे, मारे भाई मारे बीमारी लग जाएगी, हम नहीं पड़ेंगे, हमारे मारे बीमारी लग जाएगी। वहीं पे क्यूबा छोटा सा देश, हमेशा मतलब अमेरिका की बदमाशियों के निशाने पे रहा। वो क्यूबा छोटा सा देश, उन्होंने कहा भी मारे आओ, तुम भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं, जीवांगे कट्ठे जीवांगे, मरांगे कट्ठे मरांगे, और तुम्हारी डट क्या मतलब सेवा करांगे। उस पूरे जहाज को क्यूबा के अंदर उतारा, वहां के 300 डॉक्टर्स जो हैं इस समय में पूरी दुनिया में सेवा कर रहे हैं, जाके अपनी जान हथेली पे रख के साथियों जो है वो काम कर रहे हैं अपने देश के अंदर। अगर किसी ने असल में जन सेवा करी है तो वो केरल की सरकार है, और केरल की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो हमारे संगठन की हमारे साथ करने काम करने वाली साथी हैं, और उन्होंने जा जाके एक एक हॉस्पिटल के अंदर एक एक जगह पे जाके अपने बहन भाइयों की सलामती जो है उसको परवान चढ़ाया। और दुनिया की पंचायत के अंदर किसको बोलने के लिए बुलाया गया, दुनिया की पंचायत के अंदर केरल की स्वास्थ्य मंत्री को बोलने के लिए बुलाया गया कि आप आओ और बताओ कि आपने किस तरह से अपने लोगों को इस महामारी से बचाया है। हरियाणा के अंदर सारे ये बड़े बड़े पार्टी और पार्टियों के बड़े बड़े 3-3 क्विंटल के नेता बड़े हंडे जो पूरे कोरोना के दौरान जो है वो छुपे बैठे रहे डरते जो है, लेकिन हमारे एक एक भाई बहन जो हैं सबसे गरीब लोग जो यहाँ पे हैं, जिनको कोई इंसानी गरिमा भी आज तक मुहैया नहीं हुई है, जिनको रोटी रोजी मुहैया नहीं हुई है, उन कॉलोनियों के अंदर जाके अपनी जो है जान हथेली पे रख के उन साथियों ने कोरोना के दौरान अपने बहन भाइयों की सेवा करी यहाँ पे शहर के अंदर और इन गाँव के अंदर जो। तो इसलिए अपा जो इस पिछले दौरान इस संकट के समय पे अपने नागरिकों के अपने बहन भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे हैं, आने वाला समय साथियों अपना होगा, अपना होगा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का।